अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नूरीस किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ ये बटर चिकन की रेसिपी, तो चलिए देखते हैं ये कैसे बनती है। तो ये मैरिनेशन के लिए ये मैंने 1 किलो चिकन लिया है, जिसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। तो अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। ये हमारा अदरक का पेस्ट डाला है मैंने 1 चम्मच, और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, और ये 3 टीस्पून डाला है मैंने इसमें रेड चिली पाउडर। अब बस हम इसमें डाल देंगे, 1/2 स्पून डाल देंगे इसमें गरम मसाला पाउडर, और ये मैंने 200 ग्राम दही ली है। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, अदरवाइज़ मैंने 1 स्पून डाला। और ये फूड कलर है 3 से 4 चुटकी, और ये है 1 चम्मच कसूरी मेथी, और ये है मैंने सरसों का तेल डाला 1 चम्मच, और इसे अच्छे से मिला लेते हैं। और इसमें मैंने डाला है 1 नींबू का रस डाला है, और इसे अच्छे से मैरिनेट कर लिया था, और इसको मैरिनेट करके मैंने 1 घंटे के लिए करीबन रख दिया था। आप आधे घंटे के लिए भी इसे छोड़ सकते हैं। तो मैंने पानी को उबाल लिया था, और उसमें टमाटर ऐड कर लिया था। सॉरी स्किप हो गया था वीडियो। मैंने ये 800 ग्राम टमाटर लिया था, जिसे मैं 5 मिनट के लिए बॉईल कर लूँगी। ये हमारा 5 मिनट तक कुक हो गया है, और ये देखिए टमाटर में क्रैक आ चुके हैं। इसका पेस्ट बना लेते हैं हम। तो ये हमारे पास है 3 मीडियम साइज़ की प्याज है, जिसे मैंने चॉप कर लिया था और मैंने हीट कर लिया था, और इसको हम ब्राउन होने तक इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए ब्राउनिश आ गया कलर, तो बस हम इसे निकाल लेते हैं। तली प्याज को निकालने के बाद ये मैंने 15 से 20 काजू ली हैं, जिसे हम लाइट गोल्डन फ्राई कर लेंगे। तो हमारा ये लाइट गोल्डन फ्राई हो चुका है। प्याज और ये काजू का पेस्ट हम बना लेंगे, इन दोनों चीज़ों का पेस्ट बना लेंगे। हमने टमाटर की प्यूरी तैयार करी थी, जिसको हम अच्छे से छान लगते छन्नी की मदद से, क्योंकि रेस्टोरेंट में ऐसा ही होता है। उसको बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनेगा, फिर इससे छानने के बाद बिल्कुल इसका स्मूथ टेक्सचर आएगा, कोई दरदरा कोई बीज वगैरह नहीं होगी उसके अंदर। तो आप इसको ये ज़रूर स्किप ना करें। तो ये देख सकते हैं इस तरीके से निकल जाता है ये। तो हम अपने चिकन के मैरिनेटेड चिकन को तैयार कर लेते हैं। ऑयल मैंने हीट कर लिया था, सारे चिकन के पीसेस को ऐड कर लिया था। इसको हम कुक करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, 1 साइड पे करेंगे। कवर कर सकते हैं, नहीं भी कवर करें तो चलेगा, अदरवाइज़ आप कवर कर ले तो बढ़िया है, जल्दी कुक हो जाएगा। तो ये एक साइड से कुक हो चुका है। अब हमें सभी चिकन के पीसेस को पलट लेते हैं। तो चिकन के पीसेस को पलट लेते हैं सभी को। अब हम इसे दूसरे साइड से इसको कुक करेंगे, जैसे हमने पहला मेथड यूज़ करा था वैसे ही यूज़ करेंगे। 2-3 मिनटों के लिए एक साइड से पकाया था, और 2-3 मिनटों के लिए हम इसे दूसरी साइड से पकाएंगे। आप इसका कवर ना करें, लीड निकाल सकते हैं। और ये फ्राई हो चुका है अच्छे से, तो देखिए बिल्कुल रोस्ट हो चुका है हमारा चिकन, और इसको मैंने निकाल लिया है। ऑयल मैंने हीट कर लिया है, और इसके ऑयल इसलिए डाला है मैंने ताकि हमारा बटर जले ना डालने पे। तो ये मैंने बटर ऐड कर दिया है, तो बटर को पिघलने के बाद मैंने डाल दिया है इसमें 1 चम्मच अदरक और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट। तो इसको करीबन 1 मिनट के लिए हम इसे भून लेंगे। और ये हमारे टमाटर की प्यूरी है, इसको हम ऐड कर लेंगे। बस इसको चला लें, और एक उबाल आने तक कम से कम इसको छोड़ दें। ये हम डाल देंगे इसके अंदर। एक उबाल आने के बाद 1 स्पून मैंने रेड चिली पाउडर, 1/2 स्पून मैंने कोरिएंडर पाउडर ऐड करा है। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, 1.5 स्पून मैंने डाला है। तो बस इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, और इसको बॉयल आने देते हैं। बस ये हमारा बॉईल आ चुका है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे जो हमने पेस्ट बनाया था, काजू का पेस्ट बनाया था। तो ये मैंने ऐड कर दिया है काजू प्याज का पेस्ट, और 1 कप मैंने दूध लिया है, और इसको भी ऐड कर लिया है मैंने इसके अंदर, और इसको मिक्स कर लेते हैं। तो इसमें फिर बॉईल आने देते हैं
बॉयल आने तक रुक गए हम। तो चलिए बॉयल आ चुका है हमारा, तो बस इसके अंदर हम थोड़ा फूड कलर ऐड कर देंगे, 2 से 3 चुटकी, क्योंकि रेस्टोरेंट में फूड कलर यूज़ होता ही है, जिससे बढ़िया कलर आता है, देखने में भी खूबसूरत लगता है। अब हमने बटर ऐड कर लिया है, तो बस इसके अंदर हम अपने रोस्ट किए हुए चिकन को ऐड कर लेंगे। तो चिकन पीसेस ऐड कर लिए मैंने। अब इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा शुगर, डाल देंगे, थोड़ा मिठास होता है बटर चिकन में। और ये मैंने 2 चम्मच लिया है कसूरी मेथी, जिसे मैंने क्रश करके ऐड कर दिया है। 1 स्पून मैंने डाला है गरम मसाला पाउडर। बस इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, और फ्लेम रखेंगे हम हाई। हमारे सारे प्रोसेस में फ्लेम हाई रहेगा। तो 1 स्पून मैंने क्रीम ऐड करा है, आप चाहे तो घर की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने बटर ऐड कर दिया ऊपर से, आप डिश आउट करेंगे तो उस पर भी बटर डाल सकते हैं, उससे भी ज़्यादा जायका अच्छा लगेगा। तो ये हमारा बटर चिकन बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बन के तैयार है। तो एक बार ये बटर चिकन बनाकर देखें, ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं। अल्लाह हाफिज़।